नांदेड़ बल्दियाजमा के वार्ड नंबर 13 ए के जिमनी इलेक्शन के आज नतज का ऐलान हुआ है, जिसके सबब आज कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मुस्कान नाज सैयद वाजिद ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इन्होंने मजलिस उम्मीदवार और बीजेपी की उम्मीदवार को शिकस्त दी है। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मुस्कान नाज ने कुल 4230 वोट हासिल किए हैं और मजलिस उम्मीदवार रेशमा बेगम सलीम बेग को कुल 2225 वोट मिले हैं और बीजेपी उम्मीदवार को 1490 वोट हासिल हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से शानदार जश्न मनाया गया। कांग्रेस पार्टी की जीत पर साबिक़ एमएलए डीपी सावंत, कारपोरेटर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला, डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, कारपोरेटर मोहम्मद मुंतजुबुद्दीन, कारपोरेटर मोहम्मद नासिर, कारपोरेटर बाबूभाई खोकेवाले, कारपोरेटर चांद पाशा कुरैशी, यूथ लीडर अजहर कुरैशी, कारपोरेटर मोहम्मद नासिर, आमिर लाला, आतिफ अब्दुल्ला और दीगर अफराद ने एडवोकेट सैयद वाजिद को फूलों के हार पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। आज प्रभाग क्रमांक 13 के इलेक्शन के रिजल्ट्स ऐलान हुए हैं और कांग्रेस के हमारे एडवोकेट वाजिद भाई के मिसेस मुस्कान नाज 2000 के ऊपर के लीड से चुनकर आए हैं, इसलिए हम सब कांग्रेसवासी बहुत खुश हैं। मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट दिया है और भारी अकेले से कांग्रेस को चुनकर लाया है। मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है ये 10 महीने के बाद होने वाले महानगरपालिका के इलेक्शन का आगाज़ है, इसका अंजाम भी यही होगा जो आज हुआ है। और नांदेड़ की जनता अशोक राव चौहान साहब के नेतृत्व पर विश्वास रखती है, यही इसका सबूत आज फिर एक बार मिला है। आने वाले दिनों में भी अशोक राव चौहान साहब के नेतृत्व पर, उनके विकासात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास रखकर नांदेड़ की जनता कांग्रेस को जिताएगी, यही हम प्रार्थना करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें जीत हासिल हुई। उसी के साथ हमारे माननीय अशोक राव जी चौहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। साथ में हमारे माजी आमदार डीपी साहब और हमारे दक्षिण के आमदार मोहन अन्ना और अमर भाव विजय वनकर साहब और तीनों नगर सेवक गफ्फार भाई, शमीम अब्दुल्ला साहब, चांद पाशा कुरैशी साहब और उन्हीं के साथ हमारे सत्तार सेठ, अजीज़ कुरैशी साहब, नासिर भाई, इन सब नगर सेवकों का मुझे साथ मिला, मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही प्रभाग क्रमांक 13 की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मेरे जो दोस्त अहबाब थे नांदेड़ के, सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रभाग नंबर 13 के ज़िमनी चुनाव के नतज का आज ऐलान हो चुका। हमारे क़ायद आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब, रियासती वज़ीर तामीरात और हमारे साबिका वज़ीर डीपी सावंत साहब, रुकन असम्बली अमरनाथ राजूरकर साहब, जुनूब हलके के रुकन असम्बली मोहन अम्बडे साहब, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और सभागार नेता, इन तमाम की क़्यादत में बाय इलेक्शन इंतहाई पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। कांग्रेस की पूरी टीम,
हमारे साबिक मेयर अब्दुल सत्तार साहब, साबिक चेयरमैन शमीम अब्दुल्ला साहब, मसूद अहमद खान साहब, हमारे विजय यवनकर साहब और उस इलाके के कारपोरेटर्स और तमाम ही कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से हमारी उम्मीदवारा हमारी बहन मुस्कान नाज सैयद वाजिद को भारी अक्सरियत से जीत हासिल हुई। फिर एक बार वहाँ की अवाम ने ये वाजे कर दिया कि लोग नांदेड़ के तरक्की के साथ है, अशोक चौहान साहब के साथ है। मैं तमाम ही वोटर्स का शुक्रगुजार हूँ और खायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।